गर्भावस्था एक महिला के जीवन का सबसे अनोखा क्षण होता है। यह वह क्षण होता है जब हर कोई गर्भवती माँ के बारे में अतिरिक्त सावधानी बरतता है, खासकर जब भोजन की बात आती है। माँ द्वारा खाया जाने वाला भोजन सीधे बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। मछली और समुद्री भोजन। बड़ी मछलियों में उच्च स्तर का पारा होता है जो शिशुओं या छोटे बच्चों के लिए हानिकारक होता है। इससे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को ट्यूना, शार्क, स्वॉर्डफिश, मार्लिन आदि जैसी बड़ी मछलियों के सेवन से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि डिब्बाबंद ट्यूना में अन्य ट्यूना की तुलना में पारा का स्तर कम होता है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जा सकता है। मछलियां ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। यदि आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप स्वच्छ ताजे पानी वाली मछलियां ले सकते हैं, जिनमें झींगा, सैल्मन, तिलापिया आदि जैसी कम मात्रा में पारा होता है। हालांकि सुशी जैसे अधपके भोजन से बचना चाहिए। एक प्लांट लगभग सभी भारतीय घरों में खाया जाने वाला एक आम भोजन है। प्रेगनेंसी में आपको बैंगन का सेवन करने से परहेज रखना चाहिए, खासकर पहली तिमाही में जब गर्भपात होने की संभावना बहुत अधिक होती है, और यदि बाद में आपका मन करे तो आप थोड़ी मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपका डॉक्टर ऐसा करने के लिए आपको सलाह दे। अपाश्चरीकृत दूध और उसके उत्पाद। दूध को पीने से पहले अच्छे से उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से कीटाणुओं और रोग पैदा करने वाले रोगाणु खत्म हो जाते हैं। दूध निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पाश्चरीकृत किया जाना चाहिए। तिल के बीज। सूखे तिलों का प्रयोग पहले गर्भपात की दवा के रूप में किया जाता था। तिल के बीज गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं, जिससे गर्भपात भी हो सकता है। गर्भावस्था के पहले 3 से 4 महत्वपूर्ण महीनों के दौरान इससे बचने की सलाह दी जाती है। जबकि सूखे मेवे जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, मूंगफली आदि का सीमित मात्रा में सेवन करना सुरक्षित है। पपीता। ऐसा कहा जाता है कि पपीता गर्भपात को उत्तेजित करता है, इसलिए गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करना बहुत खतरनाक साबित होता है। कच्चे पपीते में लेटेक्स नामक पदार्थ होता है, जो गर्भाशय संकुचन का कारण बनता है। पपीते में मौजूद पपेन और पेप्सिन भ्रूण के विकास को रोकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कच्चे पपीते से सख्ती से परहेज करने की सलाह दी जाती है। अजीनोमोटो का उपयोग स्ट्रीट फूड बड़े पैमाने पर किया जाता है, और अब इसे घरों में भी एक घटक के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर चाइनीज फूड बनाने में किया जाता है, जो भारत के लोगों का पसंदीदा व्यंजन है, जैसे मैगी नूडल्स आदि, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से यह ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अजीनोमोटो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए शिशु के विकास को सुरक्षित रखने के लिए इसके सेवन से काफी हद तक बचने की सलाह दी जाती है। पाइनएप्पल अनानास में ब्रोमेलिन नामक एक यौगिक होता है, जो गर्भाशय ग्रीवा को नरम कर सकता है, जिससे गर्भपात तक हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अनानास आपके शरीर को तेजी से गर्म कर सकता है, जिससे गर्भपात या समय से पहले जन्म हो सकता है। सौंफ और मेथी के बीज का उपयोग आप स्वाद के लिए थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन इसे लगातार बड़ी मात्रा में खाना खतरनाक हो सकता है। इन बीजों में उच्च मात्रा में फाइटोस्ट्रोजेन होते हैं, जो गर्भाशय की गति बढ़ाते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। ब्रेड, नूडल्स, पास्ता, पीटा, कुकीज, पिज्जा आदि जैसी मैदे से बनी चीजों से दूरी बनाए रखें। इसी तरह अचार, सॉस,
चटनी जैसे डिब्बाबंद और तैयार खाद्य पदार्थों से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इनमें लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षक और रसायन होते हैं, जो बढ़ते बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से गर्भाधान के अंतिम चरण के दौरान अंगूर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके शरीर के तापमान को बढ़ाकर अवांछित जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। अंगूर में रेस्वेराट्रोल नामक एक यौगिक भी होता है, जो गर्भवती महिला के हार्मोन को असंतुलित करके कई कठिनाइयां पैदा कर सकता है। अंगूर के अधिक सेवन से पेट संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो बहनों, गर्भावस्था में आप थोड़ा जागरूक रहे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो में बताए गए खाद्य पदार्थों से परहेज करने से आपको और आपके बच्चे को फिट और स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी।